अगर अंतिम कतार में खड़े भूखे व्यक्ति तक की भूख मिटानी हो तो जुनून दिल से होना चाहिए। ऐसा ही जुनून लेकर चल रहे हैं करनाल में जेबीडी कल्याण समिति के संचालक एवं समाज सेवी भारत भूषण कपूर। कुछ महीनों के वक्त में उन्होंने मात्र 10 रुपए में स्वादिष्ट और लजीज भोजन की थाली के माध्यम से करनाल के लोगों को समर्पित आपकी रसोई को प्रत्येक रविवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा दिया। इस रसोई की खास बात यह है कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग पहुंचकर भोजन का आनंद एक साथ लेते हुए नजर आते हैं। रविवार को रामनगर के प्रसिद्ध 4 खंबा चौक पर लगाई गई आपकी रसोई में अमीर गरीब सब एक साथ भोजन का आनंद लेते हुए नजर आए, जो कि समाज में एकता का परिचायक था। समिति के संचालक एवं समाज सेवी भारत भूषण कपूर ने कहा कि उनका एक सपना है कि समाज में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। इसी दिशा में यह उनका एक छोटा सा कदम है। आपकी रसोई को वह प्रत्येक रविवार को लोगों के सहयोग से लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार आपकी रसोई लगाई तो करनाल के लोगों का उन्हें भरपूर प्यार मिला, जिसके बाद वह प्रत्येक रविवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर यह आयोजन करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मात्र 10 रुपए में खाने की गुणवत्ता का भरपूर ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा आपकी रसोई में किसी भी प्रकार के पॉलिथीन उत्पाद का प्रयोग नहीं किया जाता और सभी एक साथ मिलकर यहाँ पर भोजन का आनंद लेते हैं। मानव सेवा को अपना लक्ष्य बताते हुए भारत भूषण कपूर ने बताया कि उनका यह प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आपकी रसोई में सैकड़ों लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का लुफ्त उठाया। हमारे यहाँ बिरक हॉस्पिटल द्वारा जो मेडिकल कैंप लगाया गया है उसमें पब्लिक बहुत ज्यादा आई हुई है, सब अपना चेकअप कराने हमारे यहाँ पे काफी गरीब तबका है। जो लोग हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज या अपना चेकअप कराने में उनको थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो यहाँ फ्री मेडिकल कैंप और दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही हैं डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ से, और जेबीटी समाज की तरफ से भी जो रसोई है आपकी रसोई पिछले संडे को भी लगाई गई थी यहाँ पे 10 रुपये में नाश्ता, और इस संडे भी है, अगले 2 संडे भी और लगाई जाएगी। तो इससे यहाँ की पब्लिक को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये कार्य यहाँ किया गया है, क्योंकि हमने पीछे लगातार 6 महीने से ये आपकी रसोई का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हमने कपूर साहब को रिक्वेस्ट की कि हमारे एरिया में भी इस बार रसोई का प्रोग्राम रखा जाए, तो पिछले संडे से उन्होंने कहा 4 संडे लगातार यहाँ आपकी रसोई का कार्यक्रम चलाया जाएगा। लाइन पार ये वार्ड नंबर 19 में फिर हॉस्पिटल की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप और हर तरह की दवाई जो है दी जा रही है। एरिया जो है थोड़ा सा मध्यम वर्ग है और यहाँ डॉक्टर जीके जी ने बहुत ही अच्छी सोच जो यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया है, और साथ ही जेबीडी ग्रुप ने राजघराना ग्रुप ने आज जो है 10 रुपए में भर पेट खाना का आयोजन जो है तीसरा पिछले इतवार को भी था, अब भी है, अगले इतवार भी यही लगेगा। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है, लोग खुश हैं और मतलब जो है ये इनका बड़ा ही उपकार है भारत भूषण भारती जी का, भारत भूषण कपूर जी का। इन्होंने जो है ये यहाँ 10 रुपये भर पेट खाने का जो है आयोजन किया है, इनके लिए मैं वार्ड की जनता से इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा है जो ये आपकी रसोई का कार्यक्रम 30 जून 2019 को शुरू हुआ था, तो आज ये 21वां कार्यक्रम जो है ये रामनगर में चल रहा है, और 20वां भी रामनगर में ही लगाया गया था लाइन पार एरिया में। काफ़ी दिनों से यहाँ से लोगों की हमारे पास आ रही थी कि जो है इस आप जो ये शहर में लगाते हैं आपकी रसोई को लाइन पार एरिया में लगाएं, तो हमने 20वां और 21वां और अभी कम से कम 2 और लगेंगे यहाँ पर। इसमें फिर जो है लोगों ने कहा कि जैसे यहाँ पे लोगों को थोड़ा उसमें भी दिक्कत आती है मेडिकल फैसिलिटीज में भी, तो हमने डॉक्टर विरक जी से बात की तो उन्होंने कहा यहाँ पर अपनी पूरी टीम यहाँ पर भेजी हुई है, जिसमें 3-4 डॉक्टर्स हैं, हम लोग डॉक्टर भी हैं और भी फैसिलिटीज हैं, और यहाँ मेडिसिन भी फ्री दी जा रही है। गौरव चोपड़ा जी हमारे साथ बैठे हैं, इनका भी इसमें पूरा योगदान रहा। डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की, हमने भी रिक्वेस्ट की, तो आज ये यहाँ मेडिकल कैंप जो है लगाया गया है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे हर तरह के जो भी आ रहे हैं मरीज उनका इलाज भी किया जा रहा है और उनको दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं।
क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बस यही कहना चाहेंगे जी, जेबीडी सेवा समिति कपूर साहब के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम कर रही है। वीरक अस्पताल भी हमेशा फ्री कैंप लोगों की सेवा के लिए लगाता है। वीरक अस्पताल की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा भी जितने भी लोग आयुष्मान कार्ड धारक है कुछ है, उनके अंदर ये मैसेज आना चाहिए कि हमारे अस्पताल में उसका इलाज निःशुल्क होता है, कोई टेस्ट कोई भी चीज किसी भी चीज के पैसे नहीं लिए जाते। और कोई सामाजिक संस्था अगर किसी गरीब आदमी को भी भेजती है तो हम उसका इलाज वहाँ पे फ्री करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हम हर समय डॉक्टर विरक और डॉक्टर विरक की पूरी टीम, गौरव चोपड़ा, सभी लोग, सभी डॉक्टर इस काम के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं। जिस जिस तरीके से कोई भी सामाजिक संस्था हमें कहेगी हम हमेशा उनके साथ साथ लग के काम करेंगे और फ्री कैंप लगाते रहेंगे। धन्यवाद जी। कितने जो ये प्रोग्राम किया है, इन सब का बहुत आभारी हूँ आई टीम का जिन्होंने ये कैंप लगाया गरीबों के लिए, बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।